जो हम लोग दानी के मत की इस चर्चा, ये चर्चा हम लोग आगे तक करते रहेंगे। तो जो दानी महोदय का ये कहना था कि वीट पेन के प्रयोग से ये हुआ, जिसका हिंदी अनुवाद है सरकंडे की कलम, और वीट पेन के प्रयोग के कारण अक्षरों में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं, और इसका प्रयोग भारतीयों ने दानी के अनुसार शक क्षत्रपों से सीखा। शक क्षत्रपों का आगमन भारत में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ऑनवर्ड्स हुआ था। रुद्रदामन के भी विषय में आपने पढ़ा है। तो दानी महोदय ने ये कहा, पर शक क्षत्रपों ने इसे यूनानियों से सीखा था। वे यूनानियों से सीख करके यहां पर आए थे, और इसलिए जो है इसका परिचय इन्होंने दिया। अब देखिए दानी महोदय जो है, दानी महोदय यहां तक तो सही है कि उपकरण में परिवर्तन आया, रीड पेन के प्रयोग से, सरकंडे की कलम के प्रयोग से भारतीयों ने इसे सीखा, और लेकिन दानी महोदय गलत कहां पर? दानी महोदय गलत हुए काल निर्धारण, दानी महोदय गलत हुए काल के निर्धारण में, क्योंकि अब आपको ध्यान से देखिए, जहां तक उपकरण का प्रश्न है हीट पेन का, वहां तक दानी एकदम सत्य है। देखिए दानी की जो पुस्तक है इंडियन पैलियोग्राफी, उसमें मौर्य काल के उपरांत सीधे जो कालखंड है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या शक क्षत्रप कालीन ब्राह्मी है, दानी की पुस्तक में कहीं भी जो है, दानी की पुस्तक में कहीं भी हमें ये नहीं प्राप्त हो रहा है कि मौर्य काल के बाद द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व जैसा भी कोई कालखंड था। नहीं, दानी इसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इसको इसका निषेध कर रहे हैं, इसको नकार रहे हैं। दानी के अनुसार मौर्य काल के बाद कालखंड है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, शक क्षत्रपों का काल है, कोई भी शुंग सातवाहनों का काल या फिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व जैसा काल अहमद हसन दानी के अनुसार नहीं। ये बात जो है आप लोग, अब क्योंकि दानी ने कहा जब शक क्षत्रपाल तब भारत की अक्षर आए, तो शक क्षत्र द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं आए थे, इसलिए अक्षर नहीं आए। अब हमारे पास अभिलेख है, समय निकल जाएगा, तो अभी किसी ने पूछा था मित्र शासकों के नाम क्या थे, जो उससे वैसे आपको कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मित्र शासकों के नाम थे, धन मित्र थे, नर मित्र था, और एक बार इसको पूरा समराइज कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारा अधीत ये विषय था। किसी ने आलोचित विषय पूछा था, आलोचित काल में अधीत काल, अधीत काल मतलब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, अधीत अध्ययन। देखिए भैया थोड़े से आप लोग वो होइए, स्मार्ट बनिए, जिंदगी बहुत टफ है आपको, बहुत आगे नौकरी के लिए आपको पूरे भारत के लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा, थोड़े से आप लोग जो है और मेहनत करिए। यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं तो जो हमारा यह काल है जिसे आपके सिलेबस में ब्राह्मी ऑफ शक सातवाहन पीरियड कहा गया है, उसके ब्राह्मी ऑफ शक सातवाहन पीरियड कहा गया, जैसे हमने आपको बताया कि जो इसका जो सही नाम है वह नाम शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी होगा। इस समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं,
क्योंकि यह वह समय था जब विशेष रूप से उत्तरी भारत में स्तूपों का निर्माण हो रहा था। इन स्तूपों के लिए जो है सामान्य लोग जो है वो दान दे रहे थे, और ये जो दान विषयक अभिलेख इन स्तूपों में खोद रहे थे, बार बार जो है अक्षरों को खोदने के कारण जो है अक्षरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जो परिवर्तन आए वो हमने आपको बता दिया, जो कोणाकार अक्षर थे वे वर्तुलाकार बने, वर्तुलाकार अक्षर जो है वो कोणाकार बने, अक्षर चपटे बनने लगे, ऊपर की रेखा स्थूल, ये सबसे महत्वपूर्ण था, स्थूल बनते बनते नीचे आकर के पतली होती थी, कहीं कहीं ऊपरी रेखा जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं आया था, मात्राएं जो है मौर्य काल की थी। उसके बाद ध्यान जो हमने आपसे बार बार बताया था कि नॉट नेसेसरीली कि सारे अक्षर बदल जाएं या हर स्थान पर ही एक जैसा एक समय परिवर्तन आए, नहीं, हर तरह के अक्षर हर स्थान पर हमें मिलते हैं, लेकिन जब हम ज्यादातर अक्षरों में देखते हैं कि महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए हैं, तब हम कहते हैं कि ये ब्राह्मी के विकास का यह एक स्तर था। उसके बाद हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, और कैसे प्रयास क्यों आया, परिवर्तन कैसे आया, कहां कहां आया, ये पैलियोग्राफी की अपनी विशेषता है और इसकी अपनी विवशता भी है। अक्षरों में जो परिवर्तन आए हैं वो सब आप लोगों को याद है। हमारे पास लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित मित्र शासकों के सिक्के, लंदन के ब्रिटिश, देखिए हम जिसने भी ये जिज्ञासा है कि हम अशोककालीन ब्राह्मी हम वापस नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ गए हैं। जब आपका बाद में क्लास होगा रिवीजन वाला क्लास, तब हम पीछे जाएंगे, हम लोग आगे आ गए हैं। इसकी जिसकी भी जिज्ञासा ये अशोककालीन ब्राह्मी की है वो उसको रिवीजन क्लास के लिए आप लोग, हमने लिखना सिखा दिया, रा वगैरह जो सब हमने बताया था, इसलिए अशोक का अब हम जो भी जिज्ञासा आपको करनी इस क्लास के लिए करिए, जब रिवीजन का क्लास होगा उसके लिए आप अपनी सारी जिज्ञासाएं बचाकर रखिएगा। तो दानी जो मित्र शासकों के जो सिक्के हमें मिले हैं, उन सिक्कों का में अक्षर हमें इसी प्रकार मिल रहे हैं कि जो गोलाकार अक्षर है वो चपटे हो गए हैं, जो चपटे अक्षर है वे गोलाकार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है ऊपरी रेखा जो है स्थूल आ रही है, कहीं कहीं विलुप्त हो गई है, ये सारे के सारे में मित्र शासकों के सिक्कों पर ये परिवर्तन प्राप्त हो रहे हैं। और मथुरा की खुदाई में, ध्यान से सुनिए, मथुरा की खुदाई में स्तरीकरण में, स्तरीकरण आप सबको ज्ञात होगा, नीचे के स्तर से मित्र शासक के सिक्के मिले हैं और उसके ऊपर के स्तर से क्षत्र। इसका अर्थ यह हुआ कि मित्र शासकों के जो सिक्के हैं वो क्षत्रों के पहले के, यदि वो उसके पहले के थे मित्र शासकों के सिक्के, तो क्षत्रों के आने से पहले ही अक्षर में ये परिवर्तन आ गए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सब लोग इसको ध्यान से समझिए कि क्षत्रों के आने से पहले ही ये परिवर्तन आ गए थे, क्योंकि हमें मित्र शासकों के सिक्कों में हमें ये परिवर्तन मिल गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मध्य प्रदेश में विदिशा से देश नगर नामक स्थान से हमें
यवन शासक अंतियोक के राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख मिला है, एक गरुड़ ध्वज स्तंभ मिला है। अब इसको पैलियोग्राफी के अतिरिक्त पूरा अपने बलबूते पे मैम बहुत बहुत आवाज कट रही है। तो देखिए मैडम शर्मिला जी, हम लोग जो पत्र के आगे मत जाइए, हम लोग आप क्षत्रब्राह्मी के विषय में क्यों बात कर रहे हैं, इसका इंस्ट्रक्शन बताएं, क्लास की डिग्निटी पे ध्यान दीजिए। आपने पुस्तक यूनिवर्सिटी बोर्ड पर आज की कक्षा में, क्योंकि अभी हम अगर आप लोगों का टेस्ट ले 90% लोग इसमें फेल हो जाएंगे जो हम पढ़ाए हैं। तो इसलिए जो है क्षत्र ब्राह्मी जब क्षत्र की कक्षा होगी तब इसको पढ़ा जाएगा, उसके पहले इसे कक्षा होगी तभी पढ़ा जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान और इसमें अहमद गजनवी का जो व्यू है, उनका दृष्टिकोण है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने रीड पेन स्टाइल की चर्चा की थी, या सरकंडे की कलम रीड पेन की बात हम आपसे कर चुके हैं। दानी का जो मत है वो आधी दूर तक सत्य था कि जो परिवर्तन आए वो सही थे, क्यों आए वह भी सही था। दानी गलत कहां पर हुए, दानी काल निर्धारण में गलत है। कि हमारे पास दो अभिलेख ऐसे हैं, मित्र एक अभिलेख है हेलियोडोरस का और दूसरा जो है मित्र शासकों के सिक्के हैं जिन पे ये परिवर्तन आ गए, और दोनों ही द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के या परीक्षा क्षत्रपों के पूर्व के हैं। इसलिए ये परिवर्तन जो है हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं, ना कि प्रथम शताब्दी पूर्व में। यह भी है कि जो मित्र शाह, क्योंकि जो जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो कुछ भी है वह नई नई खोजों पर आधारित है। 1960 में जब दानी महोदय ने अपनी किताब लिखी थी, उस समय मथुरा की वह खुदाई नहीं हुई थी जिसमें मित्र शासकों के सिक्के मिले। इसलिए प्रमाण जब बाद में हमें नए प्रमाण मिले तो पुरानी थ्योरीज को, पुराने व्यूज को हमने उसका संशोधन किया। आज की तारीख में हम आपको अपना दृष्टिकोण, अपना व्यू बता रहे हैं। 2021 में हो सकता है 2030 में कुछ ऐसे नए प्रमाण हमें मिले जो कि मेरे इस मत को गलत साबित कर दे या उसमें कुछ संशोधन। या आप ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन इतिहास, पुरालिपि, ये पैलियोग्राफी के अतिरिक्त जो है इसमें ध्यान रखिए कि ये भागवत धर्म को समर्पित ये पहला अभिलेख, भागवत धर्म को समर्पित या पहला अभिलेख है। हेलियोडोरस का उपासक था, हेलियोडोरस के उस बेस नगर के अभिलेख में भी हमें अक्षर इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। हेलियोडोरस के भी अभिलेख में हमें अक्षर किसी और हेलियोडोरस की तिथि हमें ज्ञात है, क्योंकि हमें अंतियोक की तिथि ज्ञात है। अंतियोक की तिथि है 120 ईसा से 110 ईसा पूर्व, 120 से 110 ईसा पूर्व। इसका अर्थ यह हुआ
समय जो है अक्षरों में ये परिवर्तन आ गए थे, दैट इज द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीई। दूसरी बात इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश शताब्दी ईसा पूर्व में ये परिवर्तन आ चुके थे अक्षरों में। अपना माइक फिक्स कर लीजिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की है अपना माइक ऑफ करिए। और बिल्डर ये अभी के तुले थे अक्षरों को यंगर मॉडर्न अल्फाबेट कहा था। जॉर्ज बिल्डर ने आकाश गुप्ता जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैम जो माइक ऑन किया उनको रिमूव कर दीजिए। यंगर मॉडर्न अल्फाबेट कहा था इस समय था यूनिट फर्स्ट का, उसमें जैसे ब्राह्मी लिपि में दिया हुआ है तो उसको लिप्यांतरण करना है, तो उसके संदर्भ में आपने बताया नहीं अभी मैम। भाई ऐसा है कि आपने क्या पूरी ब्राह्मी लिपि पढ़ ली? जी नहीं मैम, अभी तो आपने शुरुआत किया हुआ है। ब्राह्मी लिपि नहीं पढ़ लेंगे, कुटिल लिपि तक, गुप्त काल तक हम कैसे आपको लिप्यांतरण बता दें? तो मैम एक आनंद पांडे सर है, उन्होंने वहीं से शुरुआत किया। वाला कभी नहीं पढ़ाया जाता है। जब आप सारी लिपि से परिचित हो जाते हैं तो आप स्वयं उसका लिप्यंतरण करते हैं।
बात स्पष्ट हो गई? जी और मैम, वो जो है आपका वो ऑप्शनल है, आप ध्यान दीजिए, उसमें अभिलेख है और फिर जो है लिप्यंतरण वाला है, जी और ये इसको पढ़ाया नहीं जाता है लिप्यंतरण, उसको सारे अक्षर आपको बता दिए जाते हैं तो आप लोग खुद ही उसको करते हैं। अब आप अभी तो हम आपको बताए हैं क जो है वो इस तरह लिखा गया, इसमें हम क्या आपको हम बताए, हा हमारे काल में इस तरह लिखा गया, इसमें हम आपको बता थोड़े सकते हैं, तो आपको क्लास में बता दिया गया लिप्यंतरण वाला। और लिप्यंतरण वाला देखिए ऑप्शनल है, वो अभिलेख है अथवा लिप्यंतरण। बात स्पष्ट हो रही? उसको नहीं पढ़ाया जाता है, वो तो आपकी इसकी आपकी जानकारी के लिए है वो। जी मैम, समझ गया।